नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रुकु और स्वागत है आपका हिस्टोरियन इडियट पर। आज हम एक ऐसे सवाल की तह में उतरने वाले हैं जो धर्म और विज्ञान दोनों की सीमाओं को हिला देता है। रामायण में वर्णित राक्षस, क्या वो सिर्फ मिथक थे या फिर इस धरती पर कभी ऐसी प्रजातियां वास्तव में चली हैं जिन्हें आज विज्ञान प्री हिस्टोरिक बीस्ट्स कहता है। वाल्मीकि लिखते हैं, महाकायो महादंष्ट्रो दीप्त नेत्रो भयानका, यानी अत्यंत विशाल विराट दांतों वाले दहकती आंखों वाले प्राणी। क्या यह वर्णन किसी कल्पना का परिणाम है या फिर हिमयुग के अंत में जीवित विशाल प्रजातियों की सांस्कृतिक स्मृति, सिविलाइजेशनल मेमोरी? भारत के जंगलों, नर्मदा घाटी के जीवाश्म, बलासिनोर और मध्य भारत के मेसोजोइक ट्रेस, क्या यह सब एक संयोग है या फिर इतिहास उतना सरल नहीं जितना हमें बताया गया है? आज हमारा सवाल सरल नहीं, क्या रामायण का राक्षस लोक कभी धरती की वास्तविक बायोलॉजिकल दुनिया का हिस्सा था? और अगर हाँ, तो क्या हमारी सभ्यता ने उन दैत्याकार प्राणियों को देखा, समझा और उन्हें राक्षस कहकर स्मरण किया? आज हम विज्ञान भी खोलेंगे, धर्म भी पढ़ेंगे और समय की उस धुंध में झांकेंगे जहां इवोल्यूशन, एक्सटिंक्शन, मेमोरी और मिथोलॉजी एक ही इतिहास बन जाते हैं। तो बैठ जाइए, क्योंकि आज हम प्रवेश करने वाले हैं उस रहस्य लोक में जहां राम, रावण और राक्षस मिलते हैं मेगाफौना, फॉसिल्स और लॉस्ट एपॉक्स से। लेट्स बिगिन। रामायण जो केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि भारतीय सभ्यता की आत्मा का दर्पण है, उसमें वर्णित राक्षस आज भी इतिहासकारों और वैज्ञानिकों के लिए रहस्य है। क्या ये राक्षस वास्तव में कोई पौराणिक जीव थे या किसी प्राचीन प्रजाति जैसे डायनासोर की स्मृतियां? क्या वाल्मीकि द्वारा रचित यह महाकाव्य पृथ्वी के पोस्ट आइस एज युग का कोई प्राचीन दस्तावेज है जो उस समय के विशालकाय जीवों के अस्तित्व का संकेत देता है? जब हम इस प्रश्न को खोलने की कोशिश करते हैं तो हमें एक गहन सामंजस्य दिखाई देता है आध्यात्मिक दृष्टि और वैज्ञानिक यथार्थ के बीच। वाल्मीकि रामायण के अरण्यकांड में राक्षसों का वर्णन इस प्रकार मिलता है, महाकायो महादंष्ट्रो दीप्त नेत्रो भयानका, अर्थात वे महाकाय, विशाल दांतों वाले, दीप्त नेत्रों वाले और अत्यंत भयानक थे। रामायण अरण्यकांड 17:2। यदि इस विवरण को आधुनिक जीवाश्म विज्ञान की दृष्टि से देखें तो यह आश्चर्यजनक रूप से कुछ मेसोजोइक युग के प्राणियों से मेल खाता है, जैसे टिरेनोसॉरस रेक्स या एलोसॉरस। उनका आकार भी विशाल, दांत लंबे, आंखें तीव्र और गर्जना से धरती कांपने वाली थी। इसी के साथ रामायण में राक्षसों की गर्जना का उल्लेख भी मिलता है, यथा मेघो नभः स्पृष्ट्वा गर्जते सुमहान नभः, यानी वे ऐसे गर्जन करते थे मानो बादल स्वयं पृथ्वी से टकरा रहा हो। यह वर्णन किसी प्रागैतिहासिक प्राणी की ध्वनि के लिए प्रतीक हो सकता है, परंतु वैज्ञानिक समय रेखा कहती है कि डायनासोर का अंत 6 करोड़ वर्ष पहले हुआ और मनुष्य पृथ्वी पर केवल 3 लाख वर्ष से है, तो यह मेल कैसे हो सकता है? यहां भारतीय कालगणना का दृष्टिकोण महत्वपूर्ण हो जाता है। हिंदू शास्त्रों में त्रेता युग, जिसमें रामायण की कथा घटित होती है, लगभग 12,96,000 वर्षों का बताया गया है। इसका अर्थ यह नहीं कि यह इतिहास वैसा है जैसा आधुनिक कैलेंडर मापता है, बल्कि यह संकेत करता है कि उस युग में पृथ्वी पर मानव जैसी चेतन प्रजातियां या सभ्यताएं विद्यमान थी जिनका सीधा वैज्ञानिक प्रमाण आज नहीं, पर स्मृतियां अभी भी हमारे शास्त्रों और लोक कथाओं में जीवित हैं। कई भूगर्भीय साक्ष्य बताते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्रों जैसे नर्मदा घाटी, गुजरात के बलासिनोर, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में डायनासोर के जीवाश्म मिले हैं। यह वही क्षेत्र है जहां वन, पर्वत और दुर्गम प्रदेश का वर्णन रामायण में राक्षसों के निवास के रूप में मिलता है। यह समानता केवल संयोग है या प्राचीन मानव की जीवाश्म स्मृति का रूपांतरण, यह निश्चित नहीं कहा जा सकता। कुछ विद्वान मानते हैं कि वाल्मीकि द्वारा प्रयुक्त शब्द राक्षस का अर्थ रक्षा करने वाले से उत्पन्न हुआ, पर बाद में यह अधर्मियों और अमानुष प्राणियों के लिए प्रयुक्त होने लगा। किंतु जब इन राक्षसों का वर्णन अत्यधिक विशाल, पर्वताकार शरीर और सिंहवत गर्जना के रूप में मिलता है तो यह हमें मेगाफौना, आइस एज के विशाल जीवों की याद दिलाता है, जैसे कि वुली मैमथ, सेबर टूथ टाइगर और जायंट स्लॉथ। ये सभी जीव हिमयुग के दौरान
भारत और एशिया में पाए जाते थे। अतः संभव है कि राक्षसों का यह चित्रण उन्हीं प्राचीन जीवों की स्मृतियों पर आधारित हो। शास्त्रों में कई ऐसे श्लोक हैं जो इस प्रागैतिहासिक रहस्य की ओर संकेत करते हैं। उदाहरण के लिए अथर्ववेद में कहा गया है, भूतेषु भूतान्यधि तिष्ठन्ति सर्वाणि, अर्थात पृथ्वी के प्रत्येक जीव में पूर्व काल के जीवों के अंश विद्यमान रहते हैं। यह पंक्ति इस विचार को पुष्ट करती है कि मानव जाति के अवचेतन में प्राचीन जीवों की स्मृतियां संचित हो सकती हैं। यही कारण है कि विभिन्न संस्कृतियों में ड्रैगन, दैत्य, गॉर्गन या राक्षस जैसे विशाल जीवों के मिथक मिलते हैं। चीन के ड्रैगन और भारत के राक्षस वर्णन एक समान प्रतीत होते हैं। दोनों विशालकाय, शक्तिशाली और पर्वतीय या समुद्रीय प्रदेशों में रहने वाले। कुछ वैदिक खगोलविद और आधुनिक वैकल्पिक पुरातत्व शास्त्री यह तर्क देते हैं कि प्राचीन सभ्यताओं के पास पृथ्वी के भूगर्भीय परिवर्तनों की सहज जानकारी थी। उदाहरण के लिए ऋग्वेद में कहा गया है, अग्निर्होता पर्जन्यम वर्धयति सृष्टेह पुनर्जन्म भवति। इस श्लोक में पुनर्जन्म को केवल आत्मा के रूप में नहीं बल्कि पृथ्वी की पुनर्सृष्टि के रूप में भी समझा गया है। यानी एक युग समाप्त होता है, फिर नया आरंभ होता है। यह विचार मास एक्सटिंक्शन और एवोल्यूशनरी साइकिल से मेल खाता है। अब प्रश्न यह भी है कि क्या रामायण में वर्णित राक्षस लोक या लंका किसी भूवैज्ञानिक कालखंड में किसी वास्तविक स्थान का प्रतीक था? कई भूवैज्ञानिक शोध बताते हैं कि श्रीलंका, लंका और भारत के बीच एडम्स ब्रिज या राम सेतु का भूभाग प्राचीन काल में जुड़ा हुआ था, जो आज समुद्र के नीचे डूब चुका है। यह क्षेत्र प्लाइस्टोसीन इपॉक हिमयुग काल का अवशेष माना जाता है। इसलिए कुछ वैज्ञानिकों का मत है कि लंका और उसके आसपास के वन क्षेत्र आइस एज के अंतिम चरण में विशाल जीवों से भरे हुए रहे होंगे और इन्हीं की स्मृति बाद में राक्षसों के रूप में कथाओं में प्रकट हुई। भगवद्गीता का एक श्लोक इस रहस्य के गूढ़ भाव को दर्शाता है, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थित, अहम आदिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च, गीता 10:20। अर्थात, हे अर्जुन, मैं ही सभी प्राणियों में विद्यमान आत्मा हूं, मैं ही उनका आदि, मध्य और अंत हूं। यहां भूत शब्द का अर्थ केवल आत्माओं से नहीं बल्कि समस्त जीव जगत से भी लिया जा सकता है, अर्थात डायनासोर से लेकर मानव तक सब उसी चैतन्य का अंश है। इस दृष्टि से रामायण के राक्षस और आधुनिक विज्ञान के डायनासोर दोनों सृष्टि के उसी शाश्वत चक्र के प्रतीक हैं। तंत्र शास्त्र में भी कहा गया है कि जो रूप भय देता है वही रूप साधक के लिए ज्ञान का द्वार होता है, कौलाचार्य सूत्र। राक्षसों की भयानक आकृतियां इस बात की याद दिलाती हैं कि प्रकृति में भयावहता भी सृजन की ही शक्ति है। उसी शक्ति का एक अंश डायनासोर थे और वही शक्ति बाद में मानव चेतना में राक्षस रूप के रूप में अंकित हुई। आज के वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य से मानव और डायनासोर का सह अस्तित्व असंभव माना जाता है, परंतु भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में समय रैखिक नहीं बल्कि चक्रीय है, जिसे कल्प कहा जाता है। एक कल्प में ब्रह्मा की सृष्टि से लेकर प्रलय तक असंख्य युग आते जाते हैं। विष्णु पुराण में कहा गया है, सृष्टि प्रलय पातेन पुनः पुनर्वर्तते, यानी सृष्टि बार बार नष्ट होकर पुनः जन्म लेती है। इस विचार को देखें तो यह संभव है कि पिछले किसी कल्प में ऐसे जीव रहे हों जिनकी स्मृति आज भी मानव चेतना में राक्षस के रूप में सुरक्षित है। अंततः रामायण के राक्षसों को डायनासोर कहना शाब्दिक सत्य नहीं पर प्रतीकात्मक सत्य अवश्य है। वे हमें यह बताते हैं कि प्राचीन आर्षियों ने प्रकृति के भयावह पक्ष को भी ज्ञान का स्रोत माना। उन्होंने उन स्मृतियों को कथा के रूप में रूपांतरित किया ताकि आने वाली पीढ़ियां यह न भूलें कि मनुष्य से पहले भी इस पृथ्वी पर ऐसे जीव रहे थे जिनकी शक्ति और भय दोनों अपार थे। और यही कारण है कि रामायण जैसी महागाथाएं केवल धर्म ग्रंथ नहीं बल्कि प्रागैतिहासिक स्मृतियों के दस्तावेज हैं। यदा भूतानि भूतत्वं प्राप्नुवन्ति पुनः पुनः सृष्टिरपि पुनरायाति कालचक्रेण भास्कर, विष्णु पुराण 1:3:24। अर्थ, जैसे जैसे प्राणी बार बार अपने मूल तत्व में लौटते हैं वैसे वैसे सृष्टि भी कालचक्र के प्रभाव से बार बार लौट आती है।
यह श्लोक इस विषय को संपूर्ण करता है कि पृथ्वी की हर पीढ़ी, हर युग और हर जीव उसी शाश्वत चक्र का अंश है। और यदि आपको यह रहस्यमयी विश्लेषण रोचक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपने विचार साझा करें और हिस्टोरियन इडियट चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जहां हम विज्ञान और वेदांत के इस अद्भुत संगम को उजागर करते रहते हैं। और हाँ दोस्तों, यह वीडियो मैंने कुछ सुधारों के साथ दोबारा अपलोड किया है। उम्मीद है इस बार आपको यह और भी बेहतर अनुभव देगा। आपसे एक छोटी सी गुजारिश, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इस विषय पर क्या महसूस हुआ और आपकी नजर में रामायण के इन रहस्यों का विज्ञान और इतिहास से क्या संबंध हो सकता है। साथ ही अगर आपको लगता है कि इतिहास की किसी और कहानी में भी ऐसी छुपी संभावनाएं हैं जिसे आज हम शायद समझ नहीं पा रहे, तो उसे भी कमेंट में जरूर लिखें। आपके विचार हमारे लिए मूल्यवान हैं, क्योंकि इतिहास सिर्फ किताबों से नहीं, जिज्ञासा और संवाद से भी बनता है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले रहस्य में। जय श्री राम।